ये वाला गाय का बच्चा ना मेरे साथ इतना इतना ज्यादा प्यार करता है ना मेरे साथ यार, देख रहे हो ये कुछ नहीं करता है। और जैसे ही मैं खेत में पहुंचा ना, मम्मी ने मेरे ऊपर डांटना शुरू कर दिया मेरे को। जैसे ही मैं खेत में पहुंचा ना, भर भर के गालियां पड़ रही है मेरे को। आधी तो मेरे नसीब में तू है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आफ्टर लॉन्ग टाइम। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपके मित्तू भैया ने यूट्यूब को क्वाइट कर दिया था, और आज मैं अपना व्लॉग जो यहाँ पर वो 2 महीने के बाद शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार, दिल से सॉरी। वैसे ही मैंने यूट्यूब क्वाइट कर दिया था, उसके पीछे भी एक बहुत सारी लंबी कहानी है, तो उसको आप इग्नोर कर दो और आगे की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। और आप मस्त मस्त व्लॉग देखो और इन्जॉय करो। और इस वाले ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ 2:00 PM से। और जब आपके मित्तू भैया ने व्लॉग यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने बंद कर दिए, बहुत सारे लोगों ने मेरे को इंस्टा और फेसबुक के ऊपर मैसेज करने स्टार्ट कर दिए कि मित्तू भैया व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रही है। बस सभी के ऐसे ही मैसेज आ रहे थे। फिर बहुत अच्छा लगा यार उन लोगों को प्यार और सपोर्ट दे करके। YouTube के ऊपर भले ही सब्सक्राइबर और व्यूज़ कमाने बहुत ही आसान होते, लेकिन जो मैंने लोगों का दिल जो जीता है ना, और जो मैंने इज्जत कमाई है ना, वो गाइस वो कमानी बहुत ही मुश्किल होती है। जिन्हें पता है उन्हें पता है, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना, जिन्हें पता है उन्हें पता है। फिर इन लोगों के साथ एक अलग सी कनेक्टिविटी हो गई थी मेरी भी, और लोगों की भी मेरे साथ। सो हेलो जी, अगला दिन और आप सभी का फिर से स्वागत है एक और बार मेरे YouTube चैनल में। अभी आपके मित्तू भैया जा रहे हैं गेहूं लाने के लिए। गेहूं की कटाई खेत में कर दी है, तो अब मैं उसको घर लेकर के आऊँगा। तो अभी मैं खेत में जा रहा हूं, और वहां से मेरे को गेहूं लेकर के आनी है। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ खेत में, और जैसे ही मैं और जैसे ही मैं खेत में पहुंचा ना, मम्मी ने मेरे ऊपर डांटना शुरू कर दिया मेरे को। जैसे ही मैं खेत में पहुंचा ना, भर भर के गालियां पड़ रही है मेरे को। आधी तो मैंने एडिट कर ली थोड़ी ऐसी वीडियो, तो क्या ही बोले। ये जो मैं दिखाता हूँ, मतलब गेहूं के जो ये, मतलब ये जो है ना, इनको बोलते हैं दट्ठे, ये बीच में जो गांठ लगाई है ना, ये मैंने बिल्कुल ऐसी ढीली जैसी लगाई थी ना, और मतलब गेहूं की कटाई भी मैंने अच्छे से नहीं की। और मम्मी ने जो फिर मेरे को डांट सुनाई ना, ओहो क्या ही बोले दोस्तों, सच में यार क्या करे यार, मेरे को भी गेहूं की कटाई वाला काम नहीं आता है, तो फिर क्या कर सकते हैं। मौसम जो है यहाँ पर वो बिल्कुल साफ हो चुका था, पहले मौसम ख़राब था, तो फिर मैंने सोचा गेहूँ घर को ले जाते हैं, लेकिन अब मौसम जो है यहाँ पर वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है, तो यहीं खेत में रहने देंगे गेहूँ, और डंगरों के लिए घास वगैरह काटूँगा मैं और ले जाऊँगा घर। तो मैं घास वगैरह काट लेता हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। और अभी मैंने घास काट लिया है, आप लोग देख ही सकते हो। मेरा काम था घास काटना, अब भाई लेकर के जाएंगे घास घर को। आप लोग देख ही सकते हो, अब ये इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह और रस्सी के ऊपर बांधेंगे और फिर ले जाएंगे घर। अब मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल खाली हाथ जाऊँगा मैं घर को। और अभी तक जिसने भी मित्तू भैया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। सो हेलो जी, अभी बज रहे हैं 3:30 PM, और अभी मैं आया हूँ अपनी गाय को चराने के लिए चरानों में। और यहाँ से व्यू इतना सुंदर और इतना प्यारा दिख रहा है ना, सच में यार अलग ही ब्यूटी दिख रही है यहाँ से। तो गाइस, तो एक सिनेमैटिक शॉर्ट्स तो बनता ही है। और ये है मेरा प्यारा सा गाय का बच्चा, देख रहे हो आप लोग, भूख नहीं लगी है, घास नहीं खाना, और देख रहे हो
बस ये बार बार मेरे को यही बोलता है कि बस तू मेरे को खारिश कर लग, और कुछ नहीं, देख रहे हो इसकी मस्ती, जा घास खा ले, जा नहीं खाना, जा क्या हुआ, भर गया पेट, पेट भर गया तेरा, जा अब घास का, जा जा भाग जा, जा। ये वाला गाय का बच्चा ना मेरे साथ इतना इतना ज्यादा प्यार करता है ना मेरे साथ, सच में यार बहुत ज्यादा। अरे मेरा छोटा जैसा बच्चा यार, देख रहे हो ये कुछ नहीं करता है। इस वाले ब्लॉग में इतना ही, अभी इस वाले ब्लॉग को आपके मित्तू भैया एडिट करने के लिए जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, शेयर करना है। और जो बंदे चैनल के ऊपर न्यू विजिट कर रहे हैं, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लेना है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट तकड़े से व्लॉग के साथ, तो ओके टेक केयर एंड बाय बाय।